कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने इसे अपने हाथ में ले लिया है। धीरे धीरे हैवानियत के इस मामले में परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ कोलकाता का ये कांड और दूसरी तरफ आजादी का अमृत महोत्सव। एक तरफ पीड़ित का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और दूसरी तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा है। क्या ये वाकई आजादी है? अगर आजादी है तो फिर लड़कियों की आजादी कहाँ है? क्यों आए दिन देश की बेटियों के साथ दरिंदगी की खबर से अखबार भर जाता है, फिर भी जश्न मनाया जाता है आजादी का। ऐसे में जो आजादी का जश्न मना रहा है उससे तमाम सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि किस आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले के सामने आने के बाद पूरे देश में हलचल पैदा हो गई है। ऐसे में हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के मन में भी आरोपियों को लेकर गुस्सा भरा हुआ है और इन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा निकाला है। करीना कपूर ने जो पोस्ट किया है उससे साफ जाहिर है कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज कांड को लेकर उनके मन में कितना गुस्सा भरा है। ये केस उनको निर्भया कांड की याद दिलाता है। उन्होंने लिखा, 12 साल बाद वही कहानी, वही विरोध, लेकिन हम अभी भी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। अपने पोस्ट को शेयर करते हुए करीना ने कैप्शन में कई सारे हैशटैग्स लिखे, जैसे कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जस्टिस फॉर वुमेन, वुमेन सेफ्टी और फ्रीडम फॉर वुमेन। इसके साथ ही उन्होंने दिल टूटने वाली इमोजी भी बनाया है। वहीं अमिताभ की पोती नव्या नवेली नंदा, जो खुद एक सोशल एक्टिविस्ट है और अपना पॉडकास्ट चलाती हैं, उन्होंने लिखा है, हमारी आंखों के सामने एक और भयानक बलात्कार हो गया। महिलाओं ने हमेशा हमारे देश के विकास में अपना योगदान दिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि उनके लिए उनके ऑफिस, स्कूल और घर को सुरक्षित बनाया जाए। लेकिन ये काम सिर्फ पुरुषों का या महिलाओं का अकेले का नहीं है। ये काम करने के लिए पुरुषों को और महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। उन्हें उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी जो महिलाओं को इंसान की तरह नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह देखते हैं। शाहरुख खान की लाडली सुहाना ने नव्या की पोस्ट को इंस्टाग्राम पर रिपोस्ट कर सहमति जताई है। रामचरण की पत्नी उपासना कोनीडेला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर सवाल किया है। उन्होंने पूछा है, हम किस स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं? हमारे समाज में तो अभी भी क्रूरता मौजूद है। वहीं आलिया भट्ट ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, हम सभी महिलाओं को कैसा महसूस होना चाहिए? ये सब जो हमारे दिमाग में चल रहा है, उन सब चीजों के साथ हम काम पर कैसे जाएं या अपने दैनिक जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? ये भयावह घटना ने एक बार फिर हमें याद दिला दिया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भार खुद से उठाती हैं। इतने सारे अपराधों के बावजूद पीड़ित सभी महिलाओं के पास कोई वास्तविक सहारा या उम्मीद नहीं है कि चीजें बदल जाएंगी। हम इस युवा महिला को नहीं बचा सके, लेकिन हम इसे दोबारा होने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस तिशका चोपड़ा ने भी कोलकाता कांड पर गुस्सा जताया है और कहा है कि सुरक्षा के बिना आजादी का कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, एक युवा लड़की की मां होने के नाते जब किसी अन्य महिला के साथ बलात्कार होता है तो मुझे कैसा महसूस होता है? 36 घंटे की शिफ्ट में काम करने के बाद अपने कार्यस्थल पर एक स्वतंत्र शिक्षित कामकाजी महिला, एक डॉक्टर, और ये कांड हुआ है देश की मेट्रो सिटी में, इसीलिए ये सुर्खियों में बन गया है। मैं कई महिलाओं के बारे में सोचती हूँ जो गांव और कस्बे में रहती हैं, जिनको कर्म कांड के बाद गायब कर दिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता और अपराधी आजाद घूमते रहते हैं अपने अगले शिकार की तलाश में। मैं विनम्रता पूर्वक सरकार से सभी के लिए सुरक्षित स्थान बनाने का अनुरोध करती हूँ। आशा है हम अगले वर्ष तक स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं कह सकेंगे, क्योंकि सुरक्षा के बिना आजादी का कोई मतलब नहीं है। फिल्म मेकर जोया अख्तर ने भी
सोशल मीडिया पर सहारा लेकर अपने मन की बात कही है। उन्होंने लिखा है, अभी भी उस दिन का इंतजार है जब सभी महिलाएं स्वतंत्र और सुरक्षित हो सकेंगी। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है और महिलाओं के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने लिखा है, जस्टिस फॉर विमेन। वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने लिखा है, मैं बार बार इन बातों को सुनकर थक गई हूं, जहां लोग कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देनी है और उनको उनके अधिकार देने चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत नहीं है अगर पुरुष समझ ले कि महिलाएं उनके खिलवाड़ की वस्तु नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा उनका जन्म से ही अधिकार है। जो अधिकार पहले से ही उनका है उसे कौन देगा। इस बीच बात करना बंद करें और अपने वादों पर अमल करना शुरू करें। ऋचा चड्ढा ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए सीधे ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तो बकायदा ममता बनर्जी को टैग करके मैसेज लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस देश की महिलाएं आपसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं @ममता ऑफिशियल और त्वरित न्याय की उम्मीद है आपसे। आप वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला है। बाकी स्टार्स के जैसे ही परिणीति ने भी अपना गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए जाहिर किया है। यदि इसे पढ़ना आपके लिए बहुत कठिन है तो कल्पना करें कि ये उस युवती के लिए कैसा होगा। घृणित, भयावह, उसको फांसी पर लटका दो। अक्षय कुमार की पत्नी और इंटीरियर डिजाइनर ट्विंकल खन्ना भी उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं जिन्होंने कोलकाता कांड के बाद पीड़ित परिवार के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने लिखा है, इस प्लेनेट पर, इस देश में 50 साल हो गए हैं और मैं अपनी बेटी को वही चीजें सिखा रही हूँ जो मुझे एक बच्चे के रूप में सिखाई गई थी। अकेले मत जाओ, पार्क में, स्कूल में, समुद्र तट पर, कहीं अकेले मत निकलो। सिर्फ यही अभिनेत्रियां नहीं है जिन्होंने महिला होकर महिला का दर्द समझा है। बॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियों ने कोलकाता कांड पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, जिसमें से परिणीति चोपड़ा, मृणाल ठाकुर, जेनेलिया डिसूजा, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, विजय वर्मा जैसे कलाकार भी शामिल है, जिनका ये मानना है कि आजादी का जश्न तब मनाना चाहिए जब सही मायने में इस देश की महिला खुद को आजाद और सुरक्षित महसूस करेंगी। कोलकाता केस से तो आम क्या खास लोगों में भी सनसनी फैली हुई है। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर देश के सभी लोग खासा नाराज दिख रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स भी इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।